राणा और मैं किरण शर्मा। हमारे हरियाणा में लाखों करोड़ों रुपया विकास कार्यों के लिए आता है। सड़कें, नाले, सीवर, स्कूल, अस्पताल, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी की सुविधा देने के लिए बनाई जाती है, लेकिन आम आदमी तक ही पहुंच नहीं पाती। प्रदेश में मनोहर लाल के बाद अब नायब सैनी सरकार भी हरियाणा में भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही है। अधिकारी और ठेकेदार भ्रष्टाचार के खेल में इतने माहिर हैं कि किसी भी शिकायत को ना तो कोई परवाह करते हैं और ना ही पता लगने देते कि आखिर किया क्या जा रहा है, लेकिन सच सामने जरूर आता है। अब ऐसा एक मामला पलवल से सामने आया। पलवल में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर की पानी निकासी के लिए करीब एक साल पहले जयंतीपुरा मोहल्ले में भाटिया कॉलोनी से सोना रोड तक स्थित सैनी धर्मशाला तक 4,50,00,000 की लागत से नाले का निर्माण किया गया, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने की वजह से नाला एक साल से पहले ही टूट कर गिर गया। आरोप है कि निर्माण कार्य में 50% कम सरिया लगाए, साथ ही ड्राइंग के अनुरूप नाले का निर्माण नहीं किया गया। देखिए तस्वीरें। साइड में चल रहा, कहीं भी इसकी नाले की सपोर्ट नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा दो बारिश और हो जाए ये सारा का सारा नाला हुई कहीं आपस में टूट गया जाएगा, जैसे अभी पीछे दिखाया गया। हमने सोचा था नाला बन गया तो हमारी किस्मत होगी अच्छी, तो हमें नहीं, हमारी चली गया। हम तो सालों से पहले ही परेशान थे, हमने सोचा अच्छा काम हो रहा था, हम सुख में आ जाए। उसी समय ऐसा होता देख भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च अधिकारियों से कॉलोनी वासी बलराम सैनी ने की, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और नाले का निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया। साथ ही शिकायत को दरकिनार कर ठेकेदार को पूरी पेमेंट भी कर दी गई। जिस तरह से नाले को बनाया गया, महज 9 महीने के बाद ही नाले की दीवार टूट कर गिर गई। ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरह की घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि इस घोटाले में ठेकेदार और जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की मलाई खाई है, क्योंकि साफ है कि ऐसा कोई भी काम बिना अधिकारियों की मिली भगत के संभव ही नहीं है। जाँच के घेरे में विभाग के जेई जोगिंदर, SDO त्रिलोक चंद मंगला और कार्यकारी अभियंता अमित कुमार आ रहे हैं। इस मामले की शिकायतकर्ता बलराम सैनी का क्या कहना है सुनिए। बलराम जी, आपके मोहल्ले में नाला बनवाया जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा, हाँ ये लगभग एक साल भी नहीं चला है, क्या क्या मामला है? ये मामला ये है जी, ये जो नाला है आपका PWD का है, जन स्वास्थ्य विभाग का, और ये जो नाला बनाया गया है गंगा बिहार से लेकर और सैनी धर्मशाला तक बनाया गया है, जिसकी लगभग लागत जो थी 3 करोड़ के आसपास थी, और जो इस नाले में सरिया यूज किया गया वो ना के बराबर है, और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया वो घटिया किस्म का है, जिसकी मैंने कई बार शिकायत भी डाली है, जिस पर किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की है। दूसरा मैं बता दूं कि अगर आप इस नाले को देखोगे तो इसकी हाइट भी पहले काफी ऊंची कर दी गई थी, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं दिखाई देता था, जिसकी हमने कई बार शिकायत ADC ऑफिस में की, विधायक जी से मिले। अब ये गिर गया है, इसकी क्वालिटी का लगभग बताया जा रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का इसमें घपला हुआ है, 3 करोड़ की लागत बनाया गया था, तो इसकी कहाँ शिकायत करी, क्या मांग करते हो आप? सर हमारी तो मांग ये है कि इसे नाले को दोबारा तोड़ के बनाया जाए, और दूसरी किस्म में जो इसमें जितने भी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार फैलाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपने अधिकारियों से शिकायत की थी फिर भी ये नाला बना दिया गया? हाँ जी, मैंने कई बार शिकायत की थी, ये नाला बना दिया गया, अधिकारी कोई सुनता नहीं है, वो फाइलों को नहीं दबा देते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई पब्लिक परेशान हो, कोई यहाँ पे हत्या हो, कोई उनको लेना देना नहीं है, बस उन्हें अपना जेब भरना है। कहीं कमीशन खोरी हुई जिसकी वजह से घटिया बना? हाँ देखो सर, इसमें 3 करोड़ का है, आज के समय मैं बता दूँ आपको इसमें कम से कम भी 50% अधिकारियों ने खाया है, जिसके लिए इनकी सुनवाई, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ठेकेदार ने जो इनको अधिकारियों को पैसा दिया, हमने ठेकेदार से मेरी कई बार बात हुई थी, तो उसने कहा था सैनी साहब इसको करा देंगे, अधिकारी को शिकायत करने के बाद भी नहीं उठने का सीधा सा जाहिर तरीका है कि अधिकारी ने कमीशन में मोटा पैसा लिया है। वहीं जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के SC SK दहिया से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है कि नाले की दीवार टूट गई है। SK दहिया ने इस मामले में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। जन स्वास्थ्य विभाग के SC SK दहिया ने इस बारे में क्या कहा सुनिए। इसके बारे में ये रिपोर्ट मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं है, जैसे आपके माध्यम से मेरे को पता लगा है, नाला डिपार्टमेंट ने एक साल पहले काम कंप्लीट हुआ था, अगर इसमें किसी प्रकार की
एनिमल पाई जाएंगी तो जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी वो हम इसमें जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें बलराम सैनी हैं और भी कुछ लोग हैं, उन्होंने शिकायत लगाई थी घटिया सामग्री यूज कर रहे हैं और जो है सर ये इसमें 50% नहीं लगाया जा रहा है, बहुत कम लगाया गया है, तो ऐसे मोस्ट टाइम पे कार्रवाई नहीं चले, क्या कार्रवाई होगी इस मामले में क्योंकि उन्होंने अधिकारियों से मिली हुआ है। एक्चुअली बलराम सैनी जो आप नाम बता रहे हैं उन्होंने उनकी इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे ऑफिस में तो आई नहीं, पर फिर भी अगर वो आज भी कोई शिकायत पुरानी देना चाहें या होंगे और तुम उनकी शिकायत पे तो अगर आएगी तो कार्रवाई हर हालत में होगी। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।